हम हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। मेरे साथ ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ओपिनियंस के साथ खड़े हैं, क्योंकि इशू ये है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए। और ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आजम खान साहब, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए। और वजह ये थी कि एक वीडियो वायरल हुआ एक मॉलेस्टेशन अटेम्प्ट का यूपी में, जिसके बाद उन्हें लगा कि मॉलेस्टेशन को रोकने का यही तरीका है। क्या आप इससे अग्री करती हैं? डेफिनेटली नॉट। ये सूट नहीं करता है किसी एक इंसान जो मिनिस्टर है उसको ऐसी चीज़ें बोलने में, बिकॉज वी टॉक अबाउट इक्वालिटी इन एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो दीज थिंग्स आर टोटली एब्सर्ड। तो लड़कियों की सुरक्षा फिर कैसे होगी अगर वो बाहर होंगी और वहाँ पे लड़के उन्हें छेड़ सकते हैं, तो क्या सोल्यूशन होगा? अगर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन फैमिलीज को भी नहीं करना चाहिए, सोसाइटी को भी नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग द राइट्स गिवन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसी जब राइट्स मिलेंगे तो अपने आप इंडिपेंडेंस आएगी, डिसिप्लिन आएगा, अपब्रिंगिंग जब चेंज होगी तब पीपल विल चेंज एंड वी होप दैट वन डे आवर सोसाइटी विल आल्सो चेंज फॉर गुड। तो लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा होगा। थोड़ी सी अंग्रेज़ी कम और हिंदी को हम डायल अप कर दें तो अच्छा रहेगा हमारे फेसबुक लाइव देखने वालों के लिए। बट ये सवाल जितना लड़कियों से है उतना ही लड़कों से भी है। क्या आप चाहेंगे, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, कि उनको घर में रखा जाए? क्योंकि उन्हें आपसे नहीं, आपसे भी नहीं, आपके फ्रेंड से नहीं, बट जनरली लड़कों से वायलेंस का खतरा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, वायलेंस का कोई खतरा नहीं है। नहीं, खतरा तो है क्योंकि केसेस तो बहुत रिपोर्ट होते हैं। ये तो हम बनाते हैं ना, ये हमारी सोच से निकलती है। ये इक्वेलिटी क्या चीज़ है ये तो हम निकालते हैं। वो तो सब ऑलरेडी इक्वल हैं, लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि ये नहीं, लड़कियाँ लड़के ऑलरेडी इक्वल हैं। हाँ, फ्रीडम तो उनको हर इक्वली मिलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में इक्वलिटी मिल भी रही है। लेकिन अब ये हम ओपिनियन दे कि ये बाहर ना निकले या फिर ये सो, तो ये तो एक तरह से गलत है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम सबका है तो उन्हें भी निकलना चाहिए। अब रही गई बात जो ये आजकल ये जो भी हो रहे हैं वायलेंस, तो वो हमारे सोच से हो रहे हैं, तो वो चीज़ को हमें बदलनी चाहिए तभी देश बदलेगा। अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आज मैंने टीवी देखा, कल इन्हें नहीं देखा, इनमें भी नहीं देखा, तो नहीं फर्क पड़ता है। कोई नहीं देखता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। लेकिन आपने ये स्टेटमेंट, आपने इसके बारे में पढ़ा था कि ऐसा एक नेता ने कहा, एक इन्फ्लुएंशियल नेता, हाँ आजम खान ने कहा था ये, तो मैंने देखा एक वायरल हुई थी वीडियो। तो वो तो उनका तो काम ही स्टेटमेंट देना, सब कोई अपना अपना ओपिनियन देता है। अच्छा, और ये सिर्फ आजम खान ने नहीं कहा, इससे पहले ये कई नेता कह चुके हैं। तो जब कोई नेता इस तरह की बात कहता है या कहती है, महिला नेता भी कहती है, तो उससे फर्क पड़ता है उनका जो एक सोसाइटी में ओहदा है? देखिए, आज 70 साल हो चुके हैं हमारी आजादी को, और आज भी देखा जाए तो फीमेल और मेल में इक्वालिटी नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें लॉज थोड़े इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और बेसिकली लॉज ही नहीं, हमको अपने बच्चों में वो उनको सभ्यता देनी पड़ेगी कि लड़के लड़कियां इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियों को इज्जत दो, सब बराबर होते हैं, उनको ऐसे सिखाना पड़ेगा बचपन से ही। खाली लॉज बना दिए जाएं या फिर ऐसी स्टेटमेंट आ दी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। नहीं, जनरल इक्वालिटी की हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में थी कि लड़कियों पर किसी भी तरह का सेक्सुअल अटैक जो होता है, सेक्सुअल वायलेंस होती है, उसको रोकने के लिए उन्हीं को घर में रखें, उनको ऐसी जगह जाने से रोकें जहां पर ऐसी अटैक की पॉसिबिलिटी है। ये जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है। ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे लड़कियाँ बुरखा पहन के जाती हैं, वहाँ पे भी मोलेस्टेशन होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, घर पे हैं, नहीं है, घर पे भी मोलेस्टेशन होता है, उसमें क्या फर्क है? तो इससे हमें मेंटालिटी ठीक करनी पड़ेगी। अगर जब तक मेंटालिटी ठीक नहीं होगी तब तक चाहे घर पे रहें, बाहर रहें, बुरखे में रहें, कैसे भी कपड़े पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और एक लड़के ने रेज किया है कि घर के अंदर भी सेक्सुअल वायलेंस का उतना ही खतरा होता है। क्या आप इससे अग्री करती हैं कि बहुत ज्यादा फोकस ये बाहर वाली वायलेंस पे है पर घर के अंदर भी वायलेंस का खतरा है? एक्चुअली वो लाइट में नहीं आती है, डोमेस्टिक वायलेंस लाइट में, जैसे हमारे पास मैरिटल राइट्स नहीं है, जैसे रेप्स होते हैं घर में भी रेप्स होते हैं, उनके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता, कोई बात भी नहीं करता। तो उसको भी थोड़ा लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है कि उन लोगों को पता चले कि कहाँ पर किस लेवल पर यू नीड टू स्टॉप। तो यानी कि अगर घर में भी इतना खतरा है तो घर में रहना सेफ्टी का सलूशन नहीं है? डिपेंड्स कि आसपास के लोग कैसे हैं, कि घर वाले कैसे हैं, सोच कैसी है लोगों की, मेंटालिटी कैसे है, वो क्या कितना पढ़े लिखे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। पर क्या अगर वो लोग बहुत जहीन हो, बहुत समझदार हों, तो आपको लगता है कि लड़कियों को सेफ रखने के लिए उन्हें घर पे रखना चाहिए, ताला बंद करके या कमरे में? सेफ तो कुछ भी नहीं है, घर भी सेफ नहीं है, बाहर भी सेफ नहीं है, तो फिर कैसे एक जगह डिसाइड कर दी जाए कि ये जगह सेफ है और ये जगह सेफ नहीं है? तो फिर यानी कि सब जगह खतरा है या नहीं है,
किसी भी डिग्री का खतरा दिन के किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। खतरा जगह से नहीं, खतरा लोगों से है। तो फिर उस खतरे को आप क्या सोल्यूशन आजम खान साहब को या बाकी नेता जो इस तरह की बात करते हैं उन्हें क्या सोल्यूशन ऑफर करेंगी कि आपके मुताबिक आपकी सुरक्षा या और लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? जब वो सोल्यूशन ही दे सकते तो उन्हें कमेंट करने का भी राइट नहीं है। बिल्कुल, उनको कमेंट करने का, खैर कमेंट करने का राइट तो खैर सभी को है, और उनके कमेंट से डिसएग्री करने का राइट आपको होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है दे रहे हैं और लोगों को मतलब पोक कर रहे हैं, अब तो ज्यादा लोग, जैसे कि मुलायम सिंह ने थोड़े टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो अगर जब हमारे नेता ही ऐसी बात करेंगे तो लोग कैसे सीखेंगे? स्टैम्प ऑफ अप्रूवल एक तरह से, या इसको हम हैं देख लेंगे या संभाल लेंगे, हमें तो कुछ भी करने की आजादी है। तो तभी मैं पूछ रही हूँ कि आप बताएं आपके मुताबिक क्या करने से सुरक्षा वाले इशू को टैकल किया जा सकता है, एंड इट कैन बी इजियर कि आप बाहर घूम सकें, किसी भी वक्त घूम सकें। अपब्रिंगिंग में थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि मतलब लोगों को सिखाया जाए कि कैसे अपने बच्चों की पालन पोषण करना है, कैसे उनको सिखाना है, क्या सिखाना है, किसकी इज्जत करनी है, क्या कैसे सोसाइटी में रहना है। सेम पॉइंट जो इन्होंने कहा था कि अपब्रिंगिंग में फोकस होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपसे मेरी बात नहीं हुई कि ये छेड़छाड़, बड़ा ही एक हल्का शब्द है वैसे तो, जो उस वीडियो में हो रहा था कि लड़की को गोदी में उठाया, उसका दुपट्टा छीना, परेशान करने की जो कोशिश की जा रही थी, जिसको अंग्रेजी में हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, ये आपने भी सड़क पे होती देखी होगी, आपस में यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, आपस में इस बारे में लड़कों में बात होती है कि यार थोड़ा एक सीटी मार देते हैं, अच्छा यार इसको बोल देते हैं इतनी हॉट लग रही हो? नहीं, एक्चुअली मेरे बीच में तो कभी नहीं हुई कि फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में कभी हुई हो, बट हमने देखा है, खुद अपने आंखों के सामने देखा है। और इसकी मेन जो प्रॉब्लम है यही है कि थिंकिंग, अपनी थिंकिंग जब तक लोगों की डेवलप नहीं है, एक लड़का अगर लड़की को अपनी बहन मान के देखेगा नॉर्मली, नॉट सबको नहीं बट नॉर्मली, अगर देखेगा कि मैं दूसरे की बहन के साथ वो कर सकूं जो मैं खुद की बहन के साथ होता देख सकूं, तो वो काफ़ी है, इतना सब कुछ, ये आई थिंक काफ़ी सॉल्यूशन हो जाएगा इससे ही। दूसरी चीज़, एक लॉज बहुत वीक हैं, अब तक तो वीक हैं काफ़ी, लॉ तो बड़ी कड़ी कर दी गई थी जब निर्भया का रेप हुआ था दिल्ली में 2012, जिनको निर्भया से कहा जाता है, उसके बाद तो 2013 में लॉज बड़ी कड़ी कर दी, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी ग्रूसम रेप और मॉलेस्टेशन की कहानी आती है। मैम कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है, एक रेप की 7 इयर्स है इम्प्रिजमेंट, 7 इयर्स, एक अब तो डेथ पेनल्टी है एक लड़की की जिंदगी, वो तो मैक्सिमम है उसका, कंडीशंस वो रेयरेस्ट है, कंडीशंस हो रहा है, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो यार ये बताइए, इस पर बड़ी बहस हुई थी कि डेथ पेनल्टी से क्या सेक्सुअल वायलेंस रुकेगी, आपको क्या लगता है कि लॉ में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि सेक्सुअल वायलेंस करने वाले लोग रुकें, डेटर हों? कम से कम इससे तो स्ट्रांग हो लॉ, इतने वीक है अभी, मोलेस्टेशन का तो कुछ होता ही नहीं है, मोलेस्टेशन तो कोई भी करके चले जाता है, वो अगर मान लो पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर दिया तो फिर 2 दिन के बाद वो बाहर आ जाएगा। कम से कम इतना हो कि इतना स्ट्रांग हो, उसे पता तो चले तूने गलती की है, एटलीस्ट इतना किस तरह की सजा लड़कों को रोकेगी कुछ भी ऐसा करने से पहले? एक होती है बाद में न्याय, एक है पहले से जो रोके। अब इतना हार्श तो नहीं होना चाहिए कि पहले से ये डिसाइडेड हो कि हाँ किसी ने बोला कि मोलेस्टेशन हुआ है तो इसको उठा के जेल में डाल दो, सजा दे दो। हाँ एक पर थोड़ा बेटर, इससे एटलीस्ट थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज, हाँ, और हमारे लीडर्स को थोड़ा सुधरना पड़ेगा। और बल्कि यहाँ पे नॉट इन डिफेंस ऑफ आजम खान, बट यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि वो अकेले नहीं है, उनकी पार्टी अकेली नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुलायम सिंह का भी नाम लिया गया, शीला दीक्षित ने भी कहा था, एक जर्नलिस्ट का रेप हुआ था, वो रात में 3 बजे अपने ऑफिस से लौट रही थी, उन्होंने कहा था कि इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। कोलकाता में भी एक रेप हुआ था और उस विक्टिम ने अपना नाम भी जाहिर करने की इच्छा जाहिर की थी, सुजेट जॉर्डन, जो कि एक नाइट क्लब से लौट रही थी और फिर उनका रेप हुआ था। ये बताइए कि ताज़ा वीडियो, सॉरी, जिसकी चर्चा हो रही है वो तो दिन का है, पर ये जो रात में लौटने वाला इशू है, तो क्या लड़कियों को घर में बंद नहीं करना चाहिए, पर कुछ कर्फ्यूज दिमाग में रखने चाहिए कि रात में ना आए? हमारे नेता तो यही कह रहे हैं कि इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस होने नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कों के लिए अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो लड़कियों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। पर क्या रात में से अनसेफ नहीं होता है कि अकेली लड़की कैब लेके लौट रही है या ड्राइव करके आ रही है? आई डोंट थिंक सो, इट इज अनसेफ ऑब्वियसली, हाँ सिटीज है अनसेफ थोड़ी, बट यू नो एवरीबडी यू नो शुड नो हाउ टू यू नो डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। क्योंकि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है यार 9 बजे तक घर आ जाओ, 8 बजे तक आ जाओ, लेट जाने में क्यों, उन्हें लगता है पुलिस नहीं होगी उस वक्त, अंधेरा होगा, कोई पुलिस होती भी, आई डोंट थिंक सो, तब भी कोई मदद करेगी, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है लड़कियों को देर रात घूमने पे अपने कुछ सेल्फ कर्फ्यूज लगाने चाहिए कि यार इतने बजे के बाद अकेले नहीं, या कोई मर्द हो साथ में, या कोई बड़ा ग्रुप हो? मैम हमारी सोसाइटी को ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि लड़कियां रात में भी निकले तो उसके लिए सेफ हो। पहले से ही लड़कियों को ये दिमाग में डाल दो कि रात में बाहर नहीं जाना,
इतने बजे से इतने बजे तक, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनके लिए, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए और ऐसे लॉज होने चाहिए कि उनको रात में बाहर निकलने से डर ना लगे। अच्छा, ये जो सारा डर है इन लड़कों से नहीं है अगेन, बट जनरली लड़कों से है, जो कि एक छोटी माइनॉरिटी है ज़्यादातर दुनिया में जो कि परेशान करते हैं, तो क्या कोई एक ऐसा सोल्यूशन भी आपके जहन में आता है कि लड़कों पे ही कर्फ्यूज हों? जैसे हॉस्टल के टाइमिंग जनरली लड़कों के होते हैं कि भैया वो 12 बजे तक लौट सकते हैं और लड़कियां 8 बजे तक आ जाएं वापस, ये क्या पलटने से फ़ायदा हुआ? कर्फ्यूज किसी पे भी नहीं होने चाहिए, सबकी लाइफ है, सबको इन्जॉय करना है। आई डोंट थिंक सो किसी पे कर्फ्यू होने चाहिए, और इससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी अगर लड़कों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम 9 बजे तक, कभी भी हो सकता है, रेप तो कभी भी हो जाता है, यू नेवर नो, दिन में भी हो सकता है, उसमें कोई कर्फ्यू की बात नहीं है। आप भी इससे अग्री करती हैं या यू थिंक कि कुछ अगर लड़कों पे भी प्रेशर्स हों तो शायद कुछ चेंज हो जाए? चेंज, एक तो क्राइम ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते हैं, सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादातर हो भी जाते हैं, बट इन एरियाज़ लाइक जो मेट्रोपॉलिटन नहीं है वहाँ पे विमेन अकॉर्डिंग टू मी डोंट रेज देयर वॉइस इन डे टू डे लाइफ। लाइक देयर इज दिस गर्ल हु रोट इन हिंदी में बाकी बात, हाँ, वो एक लड़की ने मेट्रो में ही, अब दिन और रात की तो हम बात यहाँ कर नहीं रहे हैं, हाँ। वो बंदी ने ट्विटर पे लिखा कि उसको कैसे मेट्रो में शी फेल्ट अनसेफ दिन के टाइम में, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि दिल्ली सेफ है। तो इट्स लाइक कर्फ्यू करने से कुछ नहीं होगा, बस ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन सोसाइटी में आना चाहिए इन इंडिविजुअल, नॉट अबाउट मेल और फीमेल, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा चलिए, इसी बात पे एक अजनबी से बात करते हैं जो शुरू से हमारी बातचीत सुन रहे हैं। ये तो सब दोस्त हैं, ये तो सब बड़ा लिहाज रख के, लड़कियां भी हैं, लड़के भी बहुत लिहाज रख के बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि घर में ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं कि जैसे लड़कियों और लड़कियों को कितनी आज़ादी दी जाती है, इसमें बदलाव आना चाहिए, दरअसल घर में क्या होता है? क्या आप जिन लोगों को जानते हैं आपके दोस्तों परिवारों में, ऐसा है कि लड़की किसी भी वक्त आए जाए, देर रात आए, दिन में आए, कोई रोक टोक नहीं? नहीं मैम, ऐसा हो कि जो हमारा कल्चर है, जो सोसाइटी जो हमारा है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग गर्ल्स को भी रूल फॉलो करना चाहिए कि अगर माहौल वहाँ के एरिया उस तरह के डेवलप लोग नहीं है, उनको थोड़े से डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगी तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि बिल्कुल करना चाहिए कि सोसाइटी, आपको लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए कि आप डेवलप करो अपना दिमाग, ना कि लड़कियों को बोलो कि आप वहाँ मत जाओ। आप वहाँ से बिलोंग करते हो जहाँ डेवलप नहीं है, अभी वहाँ पर लोग इस तरह से नहीं है, तो वहाँ पर कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना रूटीन सेटअप, कुछ टाइम में कैसे मैनेज करना है। तो लड़कों को घर में ना रखें? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है, मैं ये बोला कि डिपेंड सोसाइटी, अगर सोसाइटी अच्छे है, सही जगह पर हो तो ठीक है, अदरवाइज एक जहाँ विलेज एरिया है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पर लड़की रात में, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मैं ये बोलूँ लड़के इतना ईजी नहीं है, वो शुरू से जो हो रखा है एक बैग से चेंज नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा उसमें करना पड़ेगा, मेंटालिटी बदलनी है ना, जो शुरू से चल रहा है वो सही नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है, ये नहीं बोला सही है, लेकिन इसको धीरे धीरे सही होगा तो कुछ अपने गर्ल्स को भी, और लड़के को तो ऑब्वियसली इस पर करे से करे करूँ, इसी से किया कि गर्ल्स को डिसिप्लिन रहना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ये बोला एरिया, अगर एरिया सही नहीं है, एरिया अगर एरिया सही नहीं है तो आप पहला पॉइंट ये भी बोल सकते हैं ना कि लड़कों को घर रखे। मैम हर जगह डिसाइड है कि एरिया कैसा है, कौन सा पॉश इलाका है, कैसा क्या है, डेवलप क्या है, दिल्ली में हर जगह डेवलप नहीं है मैम, आपको यहीं के पास में मिल जाएंगे, पहाड़गंज या जो खराब एरिया का क्या मतलब, खराब एरिया के जो कि सोसाइटी डेवलप नहीं है, वहाँ के लोग इस तरह की सोच नहीं है, लोगों को सही करनी चाहिए ना सोच, सोच ये पॉइंट होना चाहिए आपका कि लोगों को सोच सही करनी है, क्योंकि वहाँ मत जाने दो। मैंने ये नहीं बोला, नहीं मैंने को कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए, मैंने ये बोला। तो निर्भया कांड में क्या बस जो थी वो खराब जगह थी लड़की के जाने के लिए? नहीं नहीं, वहाँ पर देखो साकेत रोड पे हुआ था, साकेत रोड खराब है, जो भी हुआ है गलत हुआ है, बिल्कुल सही नहीं हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी के लिए लड़की को भी कुछ अपना ध्यान रखना चाहिए, जो मेरा बीवी है, कंसर्न तो आप लड़कों का क्या डिफेंस देते हैं कि क्या उनका नेचुरल है कि वो खुद को नहीं रोक सकते? नहीं नहीं, गलत है, रोकना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाए, ज्यादा ज्यादा करा से करा कानून बने जिससे कि वो डरे, लड़की के माँ बाप कहते हैं कि तुम घर में रहो और लड़कों के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाए, ये कहाँ से कहा? मैंने ये नहीं बोला, लेकिन देखो मैम जो है उसके लिए धीरे धीरे टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा अपना सोचना करना पड़ेगा, आप एक बैग से इस तरह से आ जाओगे टाइम, अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना है कितना जल्दी गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है।
क्योंकि हमारे अगर मैं किसी को कुछ करूँ तुरंत में हमारे ऊपर प्रेशर बन जाएगा, गवर्नमेंट की पावर है, किसी को दंड दो या जेल में रखो या कुछ भी करो, हमारा हाथ नहीं है ये, हमारे पास पावर नहीं है। अच्छा एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे हाथ में पावर है, ये लोग भी यही कह रहे थे कि हमारे हाथ में पावर है। हमारा फेसबुक लाइव जो लोग देख रहे हैं उसमें शौभिक सरकार लिख रहे हैं कानून पास करने से कुछ नहीं होने वाला है, बाकी सामाजिक इच्छा शक्ति में वृद्धि की आवश्यकता है। भाई जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही, मतलब सबको समझ में आ गई, वृद्धि समझ में आ गया, बढ़ाने की जरूरत है। हाँ तो जो हमारी सोसाइटी की विलिंगनेस है उसको बढ़ाने की जरूरत है। फारूक शमसी कह रहे हैं कानून ऐसा होना चाहिए कि रेप करना तो दूर, सोचने से पहले ही किसी की रूह काम जाए, जो बात आप कह रहे थे। जबकि मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि कानून अभी भी हमारा काफी कड़ा है, उसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लड़कियों को पता ही नहीं है उनके उनके राइट्स क्या है, उनको कैसे उसको एक्सरसाइज करना है उनको पता ही नहीं, जब तक पता नहीं होगा तो फिर सब कुछ सही कैसे होगा। अच्छा एक और बात है क्योंकि उस पर लड़कियों के जवाब की जरूरत है इसलिए पढ़ रही हूँ। विवेक शर्मा का सवाल है लड़कियों को डिसेंट कपड़े पहनने में दिक्कत क्या है, कहते हैं जो जैसा दिखेगा उसके लिए भावनाएं भी वैसी होंगी। बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है एंड आई एम श्योर लड़कियां इसका जवाब देना चाहेंगी। डिसेंट कपड़ों से क्या मतलब है, डिसेंट क्या होता है, सलवार कमीज पहने, साड़ी पहने, क्या पहने जो डिसेंट लगे? अच्छा अगर सलवार कमीज और साड़ी को जैसे कि अक्सर डिसेंट माना जाता है, अभी प्रियंका चोपड़ा ड्रेस पहन के चली गई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो ट्विटर पे उनको इतने कमेंट्स झेलने पड़े, तो आपको लगता है वो सोल्यूशन है सलवार कमीज? आप अभी भी आपने कुर्ता ही पहना है, रेप तभी भी होंगे, छेड़ेंगी भी तब लोग, तब फीलिंग्स नहीं जागेंगी उनके अंदर। रेप तो बुरखे में भी होते हैं, वो उससे डिसेंट क्या लगेगा इसको? अच्छा ये सब मैं लड़कों से जनरली पूछ रही हूँ, अगर कोई लड़की सलवार कमीज पहने है या वेस्टर्न ड्रेस पहने उससे फर्क पड़ता है? जो लोग छेड़खानी करते हैं आप सबने कहा आप नहीं करते, नहीं पड़ता। जिसको करनी है वो सलवार में कमीज में भी करेगा, जीन्स में भी करेगा और बुरखे में भी करेगा। आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ता है लड़कियाँ क्या कपड़े पहने? नहीं मैम उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा कपड़े से? चलिए भाई विवेक शर्मा जी आपकी बात तो यहाँ पे सिरे से सबने जवाब भी दे दिया, थोड़ी सी खारिज भी कर दी। चंदन शर्मा कह रहे हैं आजम खान जैसों को अपनी मानसिकता अपने घर के बाथरूम में रखने की जरूरत है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है। चंद्र ज्ञानी कह रहे हैं सब एक दूसरे को सुधारने की फिराक में है पर सुधरने की फिक्र किसी को नहीं, और वारिस कुरैशी भी कह रहे हैं अपने आप में सुधार लाना चाहिए, और संजय कुमार कह रहे हैं संस्कारों बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा तो एक तो सेल्फ क्रिटिसिज्म यहाँ पे काफी हो रहा है, तो हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, कैसे कौन से संस्कार यहाँ पे आपको लगता है फायदा देंगे? संस्कार अपने घर से लेना चाहिए, जिस तरह अपनी सिस्टर से हम बात करते हैं, अपने घर में अपने मम्मी से बात करते हैं अपने। अच्छा ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, यहाँ पे भी सिस्टर की बात हो रही थी यार, दोस्ती भी कोई चीज होती है, मेरी आपसे दोस्ती भी हो सकती है ना, मैं या तो बहन हूँ या फिर मैं वो सड़क पे चलती लड़की हूँ जिसको आप छेड़ेंगे, ऐसा नहीं, बीच में भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छे दोस्त भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो सबको एक अच्छे दोस्त की इज्जत करना नहीं सिखाया जाना चाहिए घर में, सिर्फ उसको बहन की नजर से नहीं, बिल्कुल सिखाना चाहिए फ्रेंड को भी, सिस्टर हो सिस्टर की तरह, फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह, बिल्कुल सिखाना चाहिए। और सबके साथ तो सबको अलग अलग देखने का नजरिया अलग अलग है, भी सबके साथ अलग 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 होता है, तो आप सबको एक तरह से नहीं देख सकते, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड मानना, किसके साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए ये सब सिखाना चाहिए। लेकिन मेन इसका जो है पेरेंट्स फैमिली से ये स्टार्ट होता है कि कहाँ बाहर घर से निकलते हो तो कैसे बिहेव होना चाहिए, आपके ऑफिस में या आप कॉलेज में स्कूल में आपको कैसे रिलेशन रखने चाहिए। अच्छा आप भी अभी जुड़ रहे हैं, आपसे भी पूछ लें कि आपको क्या लगता है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ताकि उनकी मॉलेस्टेशन ना हो, छेड़छाड़ नहीं हो, क्या सोल्यूशन है? आजम खान साहब ने कहा, उससे पहले शीला दीक्षित, ममता बनर्जी सब ने कहा कि लड़कियां घर पे रहें और कुछ कुछ टाइम जो है रात वात का कोई कोई जगह पे ना जाएं। डू यू थिंक दैट्स अ सोल्यूशन? दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो क्या सोल्यूशन है? टू चेंज द वर्ल्ड, हिंदी में बताएं जरा हमारे यहां पे देखते हैं। ठीक, अगर आपको चेंज कुछ ही करना, पहले खुद को चेंज करो, उसके बाद ही ये दुनिया बदलेगा। और ये बहुत कहना बहुत आसान है कि भाई हम सरकार को बोल देंगे वो कानून बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में सबसे पहले तो आप करप्शन हटो, कोई भी चीज़ को बिल पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही आप ब्लॉक में जाओ वहाँ करप्शन, अनुमंडल में जाओ, जिला में जाओ, जहाँ जाओ पहले करप्शन ही करप्शन। ये दुनिया कभी चेंज नहीं हो सकती, अगर चेंज करना है आपको पहले खुद चेंज करो, उसके बाद ही आप तो इसको आपके घर में परिवार में आपके जानने वाली लड़कियों में क्या कोई रोक टोक होती है कि घर से कौन कितने बजे जाता है? मेरी बहन 12 बजे रात में भी कॉलेज जाती है, घूमती है, लड़के के साथ घूमती है, मेरी मम्मी पापा कभी क्वेश्चन नहीं अलाउ करते उस पर, उसके जो मन वो शॉर्ट्स पहने, जींस पहने, रफ जींस पहने, जैसा हम लोग को फ्रीडम है मेरी बहन को भी वही फ्रीडम है। अच्छा ये जैसे भाई ये कह रहे हैं इतना प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब कर रहे थे, तो जमाना क्या काफी बदल गया है क्या, मतलब ऑलरेडी, या ये बहुत एक छोटा ग्रुप है, क्या लगता है आपको? चेंजेस तो आ रहे हैं, एजुकेशन के साथ चेंजेस आएंगे। अब आप मेंटेलिटी आप देखेंगे कि जनरेशन की भी बात नहीं है कि ये जनरेशन,
पुराने जनरेशन के भी जो लोग हु आर एजुकेटेड, हु आर मतलब उनको जो पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो बड़े शहरों में रह रहे हैं, औरतों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इक्वालिटी होना ज़रूरी है, तो वो उसको वैसे ट्रीट करते हैं. बट व्हेन एजुकेशन इज़ नॉट देयर, तो वो मेंटालिटी इसलिए ही ये पाइलअप होती जाती है कि मतलब इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर घर में ही जब ऐसी अपब्रिंगिंग है. अब अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली उनके जो बच्चे होंगे तो उनको जब वो समझाएंगे सेंसिबल होंगे, तो इससे एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. और नरेश मित्तल कह रहे हैं लड़कियों में समस्या नहीं है, लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि लड़कियों का सम्मान होना चाहिए. तो बार बार सारी बात घूम के शुरू तो लड़कियों से हुई थी भाई, आजम खान साहब के मुताबिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लड़कियों के पास था, वो घर पे रहें, पर यहाँ लड़कों पे बात आ रही है. फिर से पूछना चाहूँगी क्योंकि तब लड़कियों से पूछा था, क्या लड़कों के ऊपर कर्फ्यू लगाना या उन्हें घर में बंद करना या ये कहना कि तुम रात में बाहर नहीं निकलोगे कोई सोल्यूशन है या इवन फीजिबल है? नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. रुकने से तो कुछ नहीं होगा और ना रूल बनाने से कुछ होगा. रूल तो हमारे यहाँ ये भी है कि मर्डर करने के बाद फांसी की सजा मिलती है, तो मर्डर तो खत्म नहीं होते हैं, तो रूल कितना भी बना दे चेंज नहीं होने वाला. 70 से रूल ही रूल कर रही है और कुछ ना होने वाला है ऐसे. तो हमें वही सिंपल सा फंडामेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी और नॉलेज बेसिक लेवल पे देना पड़ेगा, जहाँ पे लोग जो चाहते हैं वो देना पड़ेगा उनको. मतलब अच्छा, कभी आपने किसी लड़की को ऐसे छेड़ा और आपने देखा है, कभी उसको रोका है उस लड़के को, या आप इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार चलता है? नहीं, ऐसे तो बेसिकली देखा नहीं. हमारे तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है जो सारे एजुकेटेड नहीं, नहीं, जो सड़क पे चलते हैं और लोग, कभी देखा है? अगर देखा भी ना हो, अगर कुछ हो रहा हो तो ये हमारा भी एक राइट है कि हमें रोकना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है, आप जो भी बोलो, हमें रोकना ही चाहिए. मतलब देख रहे हो तो आप भी उसमें एक पार्ट प्ले कर रहे हो, उसमें एक पार्ट प्ले करो कि हो रहा है वो चीज़. तमाशा हो गया. बिल्कुल. तो कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई, आपने कभी इंटरव्यू? सामने आई नहीं, बट आएगी तो आई वुड डेफिनेटली इंटरव्यू इन. अच्छा, यहाँ पे नीरज उपाध्याय कह रहे हैं परिधान कपड़े फॉर एनीवन हिंदी चैलेंज, परिधान इतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या लोगों के दिमाग में है जो गलत धारणा लड़कियों और औरतों के प्रति रखते हैं. दैट्स ऑफ्ट रिपीटेड स्टेटमेंट टुडे. अच्छा, ये अंकित संगर कह रहे हैं लड़कियों को बदलने की जरूरत भी है और सिस्टम को भी सुधारा जाना चाहिए. और शिव प्रिया आलोक कह रहे हैं 15 दिन की बच्चियों और 95 साल की बूढ़ी महिला में क्या ऐसे कपड़े होते हैं कि उनका भी बलात्कार होता है. तो यहाँ पे आई थिंक कंसेंसस इमर्ज कर रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनमें भी और जो लोग बोल रहे हैं उनमें भी, कि कपड़े, दिन का कोई टाइम और जगह, ये तीनों ही कोई फैक्टर्स नहीं है, सारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है. आप लोगों ने कभी रिजिस्ट किया है, कभी बदतमीजी आपके साथ सड़क पे हुई हो, मॉल स्टेशन हुई हो? इन्होंने कहा इन्होंने कभी नहीं देखी, पर जब मैं जनरली लड़कियों से बात करती हूँ एवरीवन हैज़ अ स्टोरी. तो आप लोगों के साथ कभी हुआ है, कभी आपने रिजिस्ट किया है, कैसे रिएक्ट किया है? एक्चुअली मेरे साथ हुआ था. टू बॉयज़ वर ऑन दी बाइक पे थे एंड दे वर जस्ट कमेंटिंग मी एंड आई डिडंट रेजिस्टेड. मैंने उसको सहन नहीं किया, मैंने उसको पीछे से पकड़ा एंड आई जस्ट ग्रैब्ड हिम और उसमें मैंने नीचे गिराया एंड जस्ट स्लैप्ड हिम ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. या और ये किस वक्त हुआ था दिन के? इट वाज अराउंड 1 or 2. तालियां बजी. गुड. 1 or 2 आफ्टरनून में, दोपहर में. और उस दिन आपको ध्यान है आपने क्या पहना हुआ था? नॉर्मल टी शर्ट एंड जीन्स. कोई ऐसे सो कॉल्ड इनडिसेंट कपड़े नहीं पहने हुए थे? कोई शॉर्ट स्कर्ट नहीं थी? और अगर इनडिसेंट कपड़े होते तभी मेरा रिएक्शन वही होता उनके लिए. तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, वो भाग गए वहाँ से? या अच्छा, ये रिएक्ट करना इतना जरूरी क्यों है? आप भी इग्नोर कर सकती थी, मतलब जैसे मैं इग्नोर क्यों करूँ? व्हेन इट्स ऑन मी, इट्स माय सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स माय रिस्पेक्ट, इट्स इन माय हैंड, आई हैव टू हैंडल दैट. आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है जिसमें आपने रिएक्ट किया हो या इग्नोर किया हो? बिकॉज हर सिचुएशन अलग है. इग्नोर ट्रेन में, बिकॉज देयर वाज अ मेट्रो या दूसरी वाली ट्रेन? नॉर्मल ट्रेन. मैं अपने घर से दिल्ली आ रही थी तो 6-7 मतलब लड़कों का ही गैंग था, बहुत भरी हुई ट्रेन थी. तो आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, तो वहाँ तो क्राउडेड होना लाजमी है. तो उसमें था बहुत सारा ग्रुप, तो मतलब देवर लाइक सीट के अंदर ही आए चले जा रहे थे. तो मतलब कितना रोकोगे? एक बार बोला तो आसपास के लोग भी मतलब चिल्लाने लगे, देवर लाइक कि तुम गलत हो, कि तुम उसको क्यों इतना बार बार बोल रहे हो. तो कहाँ तक रोकोगे, कितना रोकोगे, किसको क्या कहोगे? तो सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ता है. कि आपने आसपास बैठे कोई मर्दों को कहा कि यार इनको कहो कि यार तमीज से? देयर वाज अ गाय जो मेरे बराबर बैठा था, ही एक्सचेंज द सीट और उसने बोला कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ. तो मतलब लड़कों ने ही हेल्प करी. कुछ हर टाइप के लोग हैं सोसाइटी में, इज अ मिक्सचर, इज अ ग्रेट मिक्सचर. आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे भी जितने लड़के हैं दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट चेंज, और वो सब वो वाले लड़के हैं जैसे जिन्होंने इनकी मदद की. एक दो कमेंट्स और लेंगे. चंद्रभान सुबन आपके बात से अग्री करते हुए कह रहे हैं एजुकेशन के साथ
यू मेकिंग दैट पॉइंट के साथ बदलाव जरूर आएगा। सचिन सोम कह रहे हैं ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। राणा नवीन कह रहे हैं लड़कियों को भी मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ बैड आइडिया, पर हाँ मारपीट तक नौबत ना आए तो बेहतर है। पर ये मैंने जरूर अनुभव किया है कि अगर आपको देख के लगता है कि आप रिएक्ट करेंगी तो ये अपने आप में एक डेटरेंट हो जाता है, रोकता है लड़कों को। बसंत कुमार प्रियदर्शी कह रहे हैं सबसे ज्यादा छेड़खानी शोषण तो घर में ही होता है, वो पड़ोसी रिश्तेदार घर आने जाने वाले लोग ही करते हैं। ऐसा है कि भाई बातचीत का सिलसिला चले जा रहा है क्योंकि लोग लिखे जा रहे हैं। ओहो, नागेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं पहनावे का की बात है तो 3 साल की बच्ची को उसकी माँ साड़ी कैसे पहना सकती है। आई थिंक बातचीत में बहुत सारी बातें निकली हैं, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छे नोट पे हम इसे रोक सकते हैं। और ये आप, मैंने एक ब्लॉग लिखा है उसमें भी आप पढ़ें, उसमें भी हम यही बात कह रहे हैं कि फाइनली बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू गो टुगेदर, साथ आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तभी एक दूसरे की इज्जत करेंगे, वरना हम बैड इलाके, बैड टाइम और तालों में ही उलझे रहेंगे जिनको लगाने की, एज एवरीवन सेज, कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपके कॉमेंट्स आज बहुत सारे मिले, बहुत मज़ा आया। आपको फेसबुक लाइव पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा।